हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मंगिया। आज हम करेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 10th मेंसुरेशन असाइनमेंट 10.1 क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। हमें फर्स्ट फिगर दी हुई है। इस एक फिगर के अंदर हमारे पास तीन फिगर्स हैं, ये ट्रायंगल, स्क्वायर और ये भी ट्रायंगल। इसकी साइड्स इक्वल है तो ये हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यहाँ पे ये जो साइन होता है ये हमारा होता है 90 डिग्री का साइन। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर। एडजेंट साइड 20-20 है, इट मींस अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे इसकी। और ये हमारे पास ट्रायंगल है तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ पे बेस कितना है हमारा 20, क्योंकि अगर ये साइड बाई 20 है तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे इसकी 20। तो 1/2 इंटू 20। अब इसमें जो एल्टीट्यूड है ये लाइन ए जी जो है इसमें ये एल्टीट्यूड है, ये कितना है हमारे पास 10। तो ये हो गया हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। सेकेंड है हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। एडजेंट साइड गिवन है 20-20, तो 20 इंटू 20 400 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड एरिया आ गया। अब हम इसमें करेंगे थर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां पे जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अगर ये याद ना रहे तो आप इसमें जो हीरो का फॉर्मूला लगाया था हमने पीछे, आप वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है अंडर रूट 3/4 और इसकी साइड है हमारे पास 20 का स्क्वायर। 20 इंटू 20 4 से काट देते हैं तो ये आ गया 100 इंटू अंडर रूट 3। इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आप चाहो तो, नहीं तो आप ये याद कर लो अंडर रूट 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1.732। मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरोस आ गए इसके पीछे। और ये देखो 3 नंबर के पॉइंट है तो राइट हैंड साइड से 3 नंबर हम गिनेंगे 1, 2, 3 यहाँ पॉइंट लगा देंगे मीटर स्क्वायर। अब इनमें एरिया ऑफ फिगर निकालना है, जो टोटल फिगर है हमारी एरिया ऑफ फिगर। तो एरिया वन, ये हमारा एरिया वन था, एरिया टू और एरिया थ्री, तीनों को प्लस कर दें। एरिया वन प्लस एरिया टू प्लस एरिया थ्री। तो फर्स्ट एरिया हमारा आया है 100, फिर हमारा आया था 400 और फिर आया हमारा 173.2 मीटर स्क्वायर। अब इनको प्लस कर देते हैं, देखो 100, 400, 500, 600, 673.2 मीटर स्क्वायर। लेट्स सी पार्ट सेकेंड। अब इस फिगर को ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें तीन ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे इनको नंबरिंग दे दी 1, 2, 3। अब यहाँ पे देखो 2, 8, 8, 10 आइसोसेलेस ट्रायंगल है। यहाँ पे हम हीरो को फॉर्मूला लगाएंगे। हीरो को फॉर्मूला लगाने के लिए पहले आपको एस निकालना है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है, इतना बहुत है हमारे पास क्योंकि हमने इसको फर्स्ट दिया। इसमें 3 साइड्स हैं 8 मीटर, बी सेकेंड साइड हमारे पास 8 मीटर और तो थर्ड साइड है सी 10 मीटर। एस निकालेंगे, एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए है हमारी 8 प्लस 8 प्लस 10 बाय 2, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10 26, 26 बाय 2 13, हमारा एस आ गया 13 मीटर। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला तो हीरो को फॉर्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू
एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. एस है 13, तो 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, 13 माइनस 10, क्योंकि जो सी साइड हमारे पास 10 है. 13 इंटू 13 माइनस 8 कितना आया, 5. अब यहां से हमारा आ गया 5, ये बन गया हमारे फैक्टर्स, पेयर बन गया, 13 अकेला है और 3 भी अकेला है, तो बन गया 5 इंटू अंडर रूट 39. ठीक है, तो 39 का स्क्वायर रूट नहीं होता. आगे चलते हैं, सेकंड एरिया 39 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं हम. सिक्स ये पॉइंट के ऊपर, 6 प्लस 6 12, अब किस पे जाएगा, 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 इन जा 2. ठीक है, अब यहां से हमने एक पेयर और लिया, इसका डबल करेंगे, अब किस पे जाएगा, 4, 4 4 जा 16 और 1 17, 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 1 जा 4, इसको माइनस करके यहां तक छोड़ देंगे. हमारे पास आ गया 6.5 इंटू 6.24, मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालेंगे, उसमें भी एस निकालेंगे. इन ट्रायंगल सेकंड, अभी हमारा सेकंड ट्रायंगल है, इसमें देखो सेम, ए 10 मीटर, बी 10 मीटर और सी 12 मीटर. एस निकालेंगे यहां भी, क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है. एस निकाल लिया हमने, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 10 प्लस 10 प्लस 12 बाय 2, कितना आ गया, 32, 32 बाय 2, 16 मीटर. एस आ गया 16 मीटर. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे बाय हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. हमारे पास एस आया 16, तो 16 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 16 माइनस 12, यही है ना, 10 10 12. ठीक है, तो 16 इंटू यहां पे आ गया हमारा 6, 6 और 4, 16 माइनस 12. अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं, ये तो बने बनाए हैं 6, 6, ठीक है, अगर इसके बनाए 16 के, 4, 4 जो 16, ये 6, 6 गिवन ऊपर और 4 के बनाए तो 2 इंटू 2. अब देखो सबके जोड़े बन गए, जोड़े में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, यहाँ से 4, 6 और 2, ये हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा, 4, 6 जा 24, 24, 2 जा 48 मीटर स्क्वायर. अब थर्ड जो ट्रायंगल है इसका भी निकाल लेते हैं. अभी थर्ड ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल थर्ड, ए बी सी तीनों साइड्स गिवन है, 10, 8, 8. अब हम एस निकाल लेंगे, 10 प्लस 8 प्लस 8 बाय 2, सेम ही आ जाएगा हमारा 26 बाय 2, 13. एस आ गया हमारे पास 13 मीटर. अब हमने हीरो के फॉर्मूला से इसको एरिया निकाल लिया, सेम ही एरिया आएगा जो हमारा फर्स्ट का आया था, 13 इंटू 13 माइनस 10, 13 माइनस 8, 13 माइनस 8, 13 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, माइनस कर दिया हमने, सिर्फ ये 5 का फेयर बना है, 5 बार आया है जो हमने फर्स्ट किया था पार्ट. अब 39 का स्क्वायर रूट हमारा आया था 6.24, 5 से मल्टीप्लाई किया, 31.2 मीटर स्क्वायर. अब हमने एरिया ऑफ फिगर निकालना है, फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आया था हमारा 31.20, सेकंड का आया था हमारा 48, यहाँ पॉइंट लगा के 0 0 लगा लेते हैं, प्लस करने में इजी होगा, और फिर इसके बाद 31.20, सारों को प्लस कर देते हैं, 31.20, 48.00, 31.20.
प्लस कर देते हैं, हमारा आ गया 110.40। ठीक है, पीछे यहाँ पे 4.5 है, हो सकता है उसने जब स्केयर रूट निकाला अंडर रूट 39 का तो एक आधा पॉइंट और निकाल दिया, उस वजह से आ गया। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सी लगा देना, आप कोई नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 110.40 हमारा आंसर। लेट्स सी थर्ड पार्ट, हमारे पास ये फिगर है, इसको हम नाम दे लेते हैं। एक फिगर के अंदर 3 फिगर्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और देखो तीनों ही यहाँ पे ट्रेपीजियम है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फर्स्ट बी वन है 6, बी टू है इसमें 8, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है 4। तो 1/2 बी वन प्लस बी टू इंटू एल्टीट्यूड, 1/2 इंटू 6 प्लस 8, और एल्टीट्यूड है हमारे पास 4। पहले प्लस करेंगे, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 14 इंटू 4, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो इसकी सेकेंड है वो देखो, सेकेंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, यहां पे वही फॉर्मूला सेम लगा देंगे हम, 1/2 बी वन प्लस बी टू इंटू एल्टीट्यूड या हाइट कुछ भी लिख लो। तो इसका बी वन बी टू है 8 और 6, तो सेम 8 प्लस 6, इसका एल्टीट्यूड चेंज हो गया 5, 8 प्लस 6 14 इंटू 5, 2 7 14, 7 5 35, 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में आप सीधा ही फॉर्मूला ना लगा के सीधा वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसकी बी वन है 6 और 10, तो 6 प्लस 10, एल्टीट्यूड है इसका 6, 1/2 इंटू 16 इंटू 6 कटिंग कर देते हैं, 8 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने पूरी फिगर का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर, तीनों एरियाज को प्लस कर देते हैं, 28 प्लस 35 प्लस 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस करते हैं, 28 और 35 को प्लस करें, 63 प्लस 48 111 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है हमारा। अब हमारे पास ये फिगर है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमारे पास 14 है और ब्रेथ 8 सेंटीमीटर है, ये भी हमारे पास ट्रेपीजियम है, पर ट्रेपीजियम का यहाँ पे हाइट गिवन नहीं है और इसकी भी गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये रेक्टेंगल है बीच में, इसकी कितनी है 14 है लेंथ, तो टोटल यहां से यहां तक जो हमारी लेंथ है वो कितनी है 25। अगर हम 25 में से 14 माइनस कर दें तो कितना बचा 11, तो हम क्या करेंगे, आधा इसको दे देंगे, इसकी हाइट बना देंगे 11/2। ठीक है, तो हाफ इसकी बना देंगे यहाँ पे, इसको भी दे देंगे 11/2, तो ये हमारी होगी इसकी एल्टीट्यूड। ठीक है, ये हाइट। तो इस फिगर में फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट फिगर का एरिया निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का निकालेंगे और तीनों को प्लस कर देंगे, तो पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, 1/2 इंटू बी वन प्लस बी टू इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। तो हमारे पास बी वन है 16 और ये 8 है, तो ये भी 8 होगी ना, 16 प्लस 8 इंटू 11/2, तो 1/2 इंटू 24 इंटू 1/2 11/2 सॉरी कटिंग कर देंगे, 2 से काट दिया, फिर यहां से फिर 2 से काट दिया, 6 इंटू 11, तो हमारे पास कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकेंड
सेकेंड क्या है हमारे पास रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्योंकि अगर आपको फिगर समझ नहीं आएंगे तो फिर आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है कि ट्रायंगल है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी है 14, लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला लगा लिया तो 14 इंटू 8 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये फर्स्ट की जैसे ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि इसकी मेजरमेंट सेम है, 1/2 इंटू बी वन प्लस बी टू इंटू हाइट कितना है 8 प्लस 16 इंटू 11/2 इंटू 24 इंटू 11/2। अगर मेजरमेंट सेम है, एरिया भी सेम आ जाते हैं, तो देखिए कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ फिगर, पूरी फिगर का एरिया निकालना है, तो फर्स्ट एरिया प्लस सेकेंड एरिया, तो फर्स्ट कितना था हमारा 66, सेकेंड हमारा 112 और लास्ट में भी 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस कर देते हैं हम, इन दोनों को प्लस करेंगे, 178 प्लस 66 कितना आएगा यहाँ पे 1244 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डाटा आर मेजरमेंट्स ऑफ ए फील्ड एज नोटेड इन अ सर्वेयर्स फील्ड बुक, मेक ए रफ प्लान ऑफ द फील्ड इन ईच केस एंड देन फाइंड द एरिया। हमें मेजरमेंट दी हुई है, इसका हमें रफ प्लान बनाना है, उसके बाद हमें फील्ड का एरिया निकालना है। अब यहाँ देखो हमारा है मीटर्स टू बी स्टार्ट, ठीक है, 80 मीटर, 60 मीटर, 45 मीटर, 20 मीटर फ्रॉम ए, 20 से हम जाएंगे राइट हैंड साइड में 15 टू डी, 45 से जाएंगे हम लेफ्ट साइड 30 टू सी, फिर 60 की तरफ जाएंगे हम 20 टू ई, देन 80। इसका हम फिगर बनाते हैं फ्रॉम ए, हम स्टार्ट नीचे से करते हैं। अब हमने एक सीधी लाइन बना ली, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ए। अब हमने ए से चलना स्टार्ट किया, अब इसको बिल्कुल आपने रफ स्केच बनाना है, कोई स्केल वगैरह यूज नहीं करना, सिंपल हैंड से भी इसको बना सकते हैं। 20 मीटर गए हम ऊपर, 20 मीटर जाके ए से इधर मुड़ गए राइट हैंड साइड में 15 मीटर, ये डी पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद हम गए ऊपर 45, ये जो 45 है ये ए से यहां तक 45 है, 20 तो हम चल चुके हैं, तो ये कितना पार्ट रहेगा हमारा इसके बीच में, 45 माइनस 20 कितना आएगा 25 मीटर, तो हम यहां तक आए, ठीक है 45 तक, तो 20 चल चुके हैं, तो यहां कितना हो गया 25, 45 माइनस 20, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि 45 जो है वो यहां से ए से यहां तक 45 है, 20 माइनस हो जाएगा तो ये 25 रह जाएगा। इधर हमें किधर जाना है, 30 टू सी लेफ्ट हैंड साइड में 30 मीटर टू सी, ठीक है। इसके बाद हम गए 60, यहां से यहां तक 60 है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करेंगे, 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा यहाँ पे 15 मीटर, तो यहां तक गए हम 15 मीटर, और इधर 60 से कहां गए हम 20 टू ई राइट हैंड साइड में 20 मीटर, यहां से 15 से बड़ी लाइन होगी थोड़ी सी है 20 मीटर, ई पॉइंट आ गया हमारा। इसके बाद वो कह रहे हैं 80 मीटर, ठीक है 62 यहां तक जो कितना डिफरेंस आ जाएगा 80 माइनस 60 20, तो ये बड़ी लाइन होगी, तो यहाँ थोड़ी सा रफ करके ये आ गया हमारा 20 मीटर, यहाँ खत्म हो गया हमारा खेत, ठीक है। खेत भी तो ऐसे होता है, कभी लेफ्ट जाती है वर्ट, कभी राइट जाती है, ठीक है, तो यहां पे हमारा पॉइंट हो गया बी। अब हमने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है, इसको बी से ज्वाइन कर देंगे, इसको ए से ज्वाइन कर देंगे, इसको डी से, डी को ई से, और ई को बी से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये फिगर बन गया, इस फिगर के अंदर फर्स्ट छोटी छोटी फिगर्स हैं, सेकेंड थर्ड नेम दे दिया हमने,
और इस नेम के अकॉर्डिंग हम अपना एरिया निकाल देंगे। तो फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल, ट्रायंगल का बेस हमारा कितना है 30 मीटर, और ये पूरा फर्स्ट एंगल है ना अपने यहां से यहां तक, इसकी जो हाइट है हमारी कितनी है 20 प्लस 15 35, यहां से यहां तक जो हमारी हाइट है कितनी है 35 20 प्लस 15। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो 1/2, बेस कितना है हमारा 30 और हाइट कितनी है 20 प्लस 15, ये ध्यान रखना है आपने। फिगर कौन सी है, ठीक है, उसकी मेजरमेंट्स कितनी है, तो यहां पे आ जाएगा 1/2 इंटू 30 इंटू 35, कटिंग कर देंगे 2 के टेबल से, 15 × 35, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45 प्लस कर दो कितना आ गया 525 मीटर स्क्वायर। इस तरह से जो सेकेंड है, सेकेंड भी हमारा क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे। अगर हम इस लाइन को बेस ले लेंगे तो ये हमारी हाइट हो जाएगी, यहां से यहां तक हमारी हाइट होगी, तो 25 प्लस 20, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाएंगे, बार बार आप फॉर्मूला लिखोगे, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, फॉर्मूले का भी आधा नंबर आपको मिल सकता है। तो बेस हमारा हमने 30 ले लिया, तो इसकी हाइट हमारे पास एल्टीट्यूड कितनी होगी 25 प्लस 20, 1/2 × 30 × 45, कटिंग कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, तो 60 + 7 = 67, 675 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से थर्ड का एरिया, फोर्थ का एरिया, फिफ्थ का एरिया, सारों का एरिया निकालेंगे और उनको प्लस कर देंगे तो एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा हमारे पास। थर्ड पार्ट, अब थर्ड में क्या है, ये भी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है यहां से देखो यहां तक, तो अगर हम इसको हम बेस लेते हैं तो हमारी हाइट ही होगी 20, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, 15 × 20, बेस इंटू एल्टीट्यूड, कटिंग कर दो कितना आ गया 150 मीटर स्क्वायर। इसके बाद फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ तो ट्रायंगल नहीं है, ये क्या है हमारा ट्रेपीजियम, तो इसकी B1 20 है, B2 कितनी है 15, और ये जो लाइन है ये पूरी हमारी हाइट है, तो ये 15 + 25 कितना हो गया 40। तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 × B1 + B2 × height, तो B1 कितनी है 20 + 15 × 15 + 25, इसकी टोटल हाइट होगी हमारी 1/2 × 35 × 40, कटिंग कर दिया हमने 35 × 70 = 700 मीटर स्क्वायर। इसके बाद फिफ्थ फिगर है ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 × आप फिफ्थ में देखो, अगर हम इसे बेस लेते हैं तो ये हाइट होगी, तो क्या हो गया 20 × 20, कटिंग कर दी हमने तो कितना आ गया 200 मीटर स्क्वायर। पांचों की आगे हमारी फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, अब हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ फील्ड 525, सेकेंड था हमारा 675, इसके बाद हमारा थर्ड है 150, फोर्थ 700, और इसके बाद जो लास्ट है वो हमारा 200। इन सबको प्लस कर देते हैं, पहले इन दो को प्लस करते हैं, 5 + 5 = 10, 9 और 1 = 10, 7 और 5 = 1200, फिर इन दोनों को प्लस कर लेते हैं 850, इनको प्लस करते हैं +200, तो हमारे पास आ गया 2250 मीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ फील्ड।
हाँ जी, ये थे हमारे 10.1 के क्वेश्चन नंबर 18 और 19 का फर्स्ट पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।